हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको पता ही है कि टीचर्स डे आ रहा है 5 सितंबर को और आज है 4 सितंबर। तो आज मैं बनाने वाली हूँ टीचर्स डे के लिए कार्ड। और कार्ड बनाने के लिए मैंने लिए हैं चार्ट्स। यहाँ मेरे पास हैं 4 कलर चार्ट। आपको 3 दिख रहे होंगे बट पिंक वाले के अंदर ब्लू कलर चार्ट भी है और हम लोग इन्हीं से बनाएंगे मैम के लिए गिफ्ट, मतलब कार्ड। और यहाँ मैं चूज करूँगी पिंक कलर का चार्ट। और पिंक कलर का चार्ट यहाँ पे मुझे चाहिए होगा। यहाँ बहुत सारा कटा हुआ है पर मुझे बहुत थोड़ा ही चाहिए। तो अब फ्रेंड्स, मैंने इसे कर लिया है कट। यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल लिया है और इसे फोल्ड करके कुछ इस तरीके से फोल्ड कर दिया मैंने इसे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे ऐसे कट करेंगे। एक मिनट में, पहले मैंने इसे कट करा है और वो भी उस तरफ जिस तरफ से ये फोल्ड था उस तरफ से मैंने इसे ऐसे ड्रॉ कर लिया है। अब हम लोग इसे कट करेंगे और कैसे कट करेंगे वो मैं बताती हूँ। इसे हम लोग ऐसे ओपन कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जो फोल्ड करा था तो हमारा बीच में एक लाइन बन गई थी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की है, जहाँ लाइन थी वहाँ तक आपको इसे ले जाना है और ड्रॉ करके ही कट करिएगा। अब मेरा देखिए कुछ इस तरीके से हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे ऐसे ओपन करने पे ये खुल रहा है तो हम लोग इसे भी कट कर लेंगे। यहाँ जो लाइन बन गई है यहाँ पे, ये लाइन क्योंकि हम लोग ने पहले से फोल्ड करके रखा था तो कट करने पे भी यहाँ पे लाइन बन जाती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे भी कट कर देंगे कुछ इस तरह। अब मैंने इसे जो है कट कर लिया है वेरी इजली। अब हम तो हम लोगों को कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्केचिंग करनी है ऐसा। और अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे लिखना है हैप्पी टीचर्स डे। फ्रेंड्स, तो मैंने जो है यहाँ पे लिख दिया हैप्पी टीचर्स डे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा कलरफुल करेंगे। और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्काई ब्लू कलर का स्केच। इससे मैं थोड़ा सा इसे आउटलाइनिंग करूँगी, ऐसे जैसे मैंने एच को करा है वैसे हम लोग सारे वर्ड्स को करेंगे कुछ इस तरीके से। मैंने सारे वर्ड्स को अंडरलाइन करा है, मतलब अब इस पर कोई एक और चार्ट पेपर लेंगे जो इस पर जचे, जैसे ब्लू कलर ले लेते हैं, नहीं येलो कलर लेते हैं, कौन सा कलर लें, ठीक है हम लोग येलो लेंगे। अब हम लोगों को इसे रख देना है साइड में। पर हवा तो बहुत चल रही है और मैं टेरेस पे इसे बना रही हूँ तो फिर मैं पैड के नीचे रख लेती हूँ और मैं पैड पे कर रही हूँ सर। अब हम लोग लेंगे येलो कलर का चार्ट पेपर और थोड़ा सा इसे कट कर लेंगे। कट करके दिखाती हूँ मैं कुछ इस तरीके से। मैंने थोड़ा सा पेपर कट कर लिया है। अब मैंने इसे ऐसे फोल्ड नहीं किया है, अब हम लोग इसे फोल्ड करेंगे। और फोल्ड कैसे करेंगे मैं बता रही हूँ, कुछ जैसे हम लोग एंकी फोल्ड करते हैं वैसे ही फोल्ड करेंगे हम लोग इस पेपर को। यहाँ मैंने इसे फोल्ड कर दिया है और अब मैं यहाँ पे फ्लावर ड्रॉ करूँगी। यहाँ पे हम लोग इस पेंसिल से फ्लावर ड्रॉ करेंगे फिर स्केच से। यहाँ पे मैंने बहुत सारे फ्लावर्स कट कर लिए हैं और मेरे हिसाब से 6-7 हैं ही। और अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हें फोल्ड करते हैं। अब जो है
मैं लूंगी सीजर और थोड़ा सा यहाँ से कट कर दूंगी। ऐसे मैंने फ्लावर को कट कर दिया। हाँ, मैंने एक फ्लावर कट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, लेंगे ग्लू। कौन सा ग्लू? ये वाला ग्लू। अब हम लोग ग्लू को यहाँ लगाएंगे जिस तरफ कट करा था, अंदर की तरफ, और इसे ऐसे स्टिक कर देंगे। यहाँ कुछ इस तरीके की कैप अब बना देंगे इस फ्लावर की, थोड़ा सा इसे कैप जैसा फोल्ड कर देंगे। फेविकोल लिया है मैंने यहाँ पे। आप कोई सा भी ग्लू ले सकते हैं। अब ये जो है यहाँ पे, यहाँ ऊपर वाली इस तरफ यहाँ पे वो करेंगे, ग्लू करेंगे। एक मिनट में दिखाती हूँ कैसे कि मैंने कहाँ पे इसे लगाया। ग्लू मैंने यहाँ लगाया सब, और ये मैंने यहाँ पे स्टिक कर लिए हैं। आई थिंक पिंक सही रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, बीच में फ्लावर्स के बीचों बीच में पॉइंट बनाएंगे। देखो मैंने यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स बनाए हैं, इसे ओपन करेंगे और कुछ इस तरीके का हम लोगों को मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पे ग्लू लगाएंगे बहुत सारा। चलो लगाते हैं। और मैंने अब इसे ऐसा कर दिया कि ये खुल ही नहीं सकता है, मतलब खुल सकता है बट अभी नहीं खुलेगा। तो यहाँ मैंने कर लिया है यहाँ पे ऐसे लाइनिंग। अब हम लोग यहाँ पे लास्ट पॉइंट है इनका, वहाँ पे छोटे छोटे से सर्कल्स बनाएंगे। फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे इसमें कलर भर लिया है और हमारा कार्ड रेडी है। कुछ मिसिंग लग रहा है इसमें,